Hello, good evening everyone. I'm Komal Sharma and I'm back with my new video that is on some exercise. कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो हम लोग बेसिकली बच्चों के साथ करवाते हैं, मतलब बच्चों को करवाते हैं जब उनकी आईज लेजी हो जाती हैं. तो क्या है ये लेजी आईज? एक्चुअल में लेजी आईज इतना कोई मतलब सीरियस कॉज नहीं है, बट अगर आप उसे क्योर नहीं करेंगे तो वो सीरियस हो सकता है, क्योंकि वो हमारी उस आई को, लेजी का मतलब सबको पता है कि बहुत ही वीक काइंड ऑफ, हर कोई काम ना करने वाली चीज को आप लेजी बोलते हो. तो लेजी बेसिकली, लेजी आई क्या होता है? जब हमारा ब्रेन एक आई का फंक्शन ऑलमोस्ट सप्रेस कर देता है, निग्लेक्ट कर देता है, और दूसरी आई का फंक्शन वो नॉर्मली रखता है, तो वो आपकी आई लेजी आई हो जाती है, जिसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है. तो बेसिकली आपको क्या करना होता है इस चीज के लिए, और ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे में ये चीज हो रही है या किस इंसान में ये चीज हो रही है? लेजी आई आपको पता चलता है उन बच्चों में जिनको डबल विजन दिखाई देता है, दो इमेजेस दिखाई देती हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट की, और उन बच्चों में होता है ये जिनको थोड़ा ब्लर विजन दिखाई देता है, मतलब धुंधला धुंधला नजर आता है. जो बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे बहुत धुंधला नजर आ रहा है, मुझे डबल विजन दिखाई दे रहा है, दो दो दिख रहे हैं, या फिर वो बच्चे जिनका आप नोटिस कर सकते हैं आई के अलाइनमेंट को, यानी कि एक आई कहीं और एक आई कहीं और, ये भी इसका कॉज हो सकता है. तो लेजी आई को कम ना समझें, लेजी आई के लिए वर्क करें. अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप ये फर्दर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मैं आने वाली वीडियो में अब आपको बताने वाली हूँ. तो बहुत ध्यान से सुनना है एक एक एक्सरसाइज को कि हम क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस से. एक्सरसाइजेस आपकी बहुत सारी रहती हैं आईज के लिए, आईज की मसल्स को प्रॉपरली वर्क करने के लिए आप उसे यूज करते हैं, आईज को कोई स्ट्रेस ना पहुंचे उसके लिए भी आप यूज करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग हो आपकी ब्रेन से लेके आई के साथ, कोऑर्डिनेशन जो है वो भी प्रॉपर हो, उसके लिए भी आप यूज करते हैं एक्सरसाइजेस को. तो एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉडी के लिए भी हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, सेम विद द आईज ऑल्सो. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहली एक्सरसाइज आपकी होती है पेंसिल पुशअप टेस्ट. पेंसिल पुशअप टेस्ट में क्या होता है कि अगर आप कोई भी एक पेंसिल या फिर पेन ले सकते हैं तो वो सबसे इजी है. मैं सारी एक्सरसाइजेस वो बताऊंगी जो आप घर पे कर सकते हैं अपनी आई के साथ. सो बेसिकली आपको लेना क्या है, सबसे पहले एक पेन लेना है. पेन को आपको ऐसे रखना है, अराउंड आपका हाफ आर्म डिस्टेंस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल दूर ले गए, ऐसे भी नहीं करना है. नॉर्मल यू रखना है इसको, और आपके बिल्कुल हेड और इसका पोस्चर सेम होना चाहिए, बिल्कुल लाइन में, ठीक है, लाइन में होना चाहिए. आपने इसे पास लेके आते गए जब तक ये ब्लर ना हो जाए. जिस पॉइंट पे ये ब्लर हुआ उस पॉइंट पे आपको इसे रोक देना है. सपोज मैं लेके आई, मैंने यहाँ पे ब्लर, मेरा यहाँ पे ब्लर हो गया, क्योंकि लेजी आई का बहुत जल्दी कन्वर्जेंस लूज हो जाता है. सो जैसे ही वो यहाँ पे आया, मेरा फिक्सेट होना बंद हो गया, मैं प्रॉपर फिक्सेट नहीं कर पा रही, और अब मैं वापस इसको यहाँ पे, मुझे ब्लर हो गया. तो जैसे ही ब्लर हुआ मैं इसे वापस उस पोजीशन पे ले गई, फिर वापस मैंने रिपीट किया. जितनी बार मैं उसे, मेरे को जहाँ पे भी ब्लर होगा धीरे धीरे ये डिस्टेंस कम होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद. जरूरी नहीं आपने एक दिन किया और एक दिन में ही ये नॉर्मल हो गया, ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है चीजों को. तो अगर ऐसा कुछ आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जितनी बार ये ब्लर होगा उतनी बार आपको दोबारा स्टार्टिंग से शुरू करना है और फिर इसे यूज करना है. ये तो हो गई आपकी पेंसिल पुशअप टेस्ट की बात. अब बात ये है कि इसको कितने बार करना है और कितने दिन करना है. तो बेसिकली आपको ये दोनों आईज के साथ करना है, क्योंकि ये बाइनोकुलर टेस्ट होता है, और आपको इसको 3 times a day करना है. जब भी आप नॉर्मली, मान लीजिए कि अगर आप नॉर्मल वे में इसको यूज करना चाह रहे हैं, 3 times a day आप यूज कर रहे हैं, और आपको ये देखना है कि आपका पेंसिल पुशअप टेस्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप 5 days तक इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करिए. 5 to 15 days तक आपको नॉर्मल यूज करना है इसे. और जैसे ही आप इसे 5 to 15 days यूज करेंगे 3 times a day, तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि इससे कोई आपका नुकसान नहीं हो रहा है, आपको बल्कि फायदा ही नजर आएगा. सो ये एक तरीके का टेस्ट है जो आप यूज कर सकते हैं 3 times a day 5 to 15 days के लिए. सेकेंड एक्सरसाइज आप यूज कर सकते हैं कलरिंग बुक्स.
बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि वो कलर करें उस टाइम पे, जब उनका मन करता है तो वो कलर करते हैं बहुत ज्यादा। सो आपको कलरिंग बुक्स का यूज करना है। कलरिंग बुक्स का यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी कलर बुक आपको लेनी है? आपको ना लाइन वाली बुक्स लेनी है जिनमें आपको पर्टिकुलरली किसी एक पिक्चर में फोटो में कलर भरना हो, उनको पता हो कि डिफरेंट कलर्स आपको इस स्पेस में भरना है, तो वो डिफरेंट कलर्स उस स्पेस में भरेंगे। जैसे ही वो उस स्पेस में डिफरेंट कलर्स भरते हैं, उस टाइम पे आपको करना क्या है, ऐसे ही नहीं भरने देना कि उनको दोनों आंखें खोल करके आप उनको कलर बुक्स भरवा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बेसिकली उनको उनका जो नॉर्मल आई है उसको पैच करना है। पैच का क्या मतलब होता है, ढकना है। अगर आप कोई टेप लगा सकते हैं, किसी चीज से उसे ढक सकते हैं, तो आप ढकिए उसको, और फिर उसके बाद में जो आपकी लेजी आई होगी उससे आपको उसे दिखाना है कि आपको इस आई से वर्क करना है। और ध्यान रहे कि बच्चे उस पैच को ना हटाएं, अगर वो उस पैच को हटाते हैं तो वो वर्क नहीं करता है फिनोमिना, ठीक है। तो कलर बुक का आप यूज कर सकते हैं, ऐसे ही आप पजल का यूज कर सकते हैं। पजल गेम्स जो होते हैं, जो हम लोग पजल गेम्स खेलते हैं, उस दौरान भी आप उसका नॉर्मल यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई पजल गेम बच्चों को दिया, उस टाइम पे आपने उनकी नॉर्मल आई को पैच कर दिया और आप दूसरी आई से उन्हें दिखा रहे हैं। ये आपको बेसिकली 3 to 4 hours के लिए करना होता है हर एक्सरसाइज को, ताकि आपकी जो नॉर्मल आई है वो उस दौरान ढकी रहे और आपकी सिर्फ लेजी आई वर्क करे। जैसे ही आप कोई भी एक्सरसाइज 3 to 4 hours तक डेली करते हैं, जैसे कि आपको मैंने पजल एक्सरसाइज बताया, आपको मैंने पेंसिल पुशअप टेस्ट बताया, आपको मैंने नॉर्मल एक और चीज कलर बुक्स बताई, और फोर्थ चीज आप वीडियो गेम्स का भी यूज कर सकते हैं। बच्चों को बहुत मन होता है कि हम वीडियो गेम्स खेलें, तो आप उस दौरान उनकी जो नॉर्मल आए उसको पैच कर दो और 3 to 4 hours के लिए उनको वीडियो गेम खेलने दो। वीडियो गेम सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि उस टाइम पे वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं उस चीज पे जो उन्हें जीतनी होती है, या गेम में उन्हें परफेक्शन लाना होता है अपने, तो उस दौरान वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, तो आप उस चीज का सबसे अच्छे से यूज कर सकते हैं इस चीज में। फिफ्थ चीज आप यूज कर सकते हैं जो लास्ट है, कि उनको बुक्स रीड करवाइए। अगर वो बुक्स रीड करने में एफिशिएंट हैं बच्चे, तो आप उन्हें रीडिंग बुक्स करवाइए। और ये भी सेम वही करना है, आपको पैच करना है एक आई को, और एक जो नॉर्मल जो लेजी आई है उनकी, उससे उन्हें दिखाना है। तो इस चीजों से आप बेसिकली देख सकते हैं, रिजल्ट्स भी आपको दिखेंगे कि बच्चों की लेजी आई में थोड़ा सा फर्क आया, उनका विजन इम्प्रूव हुआ।